أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. आज की जो हमारा लेक्चर है वो केमिकल एनर्जेटिक्स होगा. प्लीज कीप इन माइंड कि जो केमिकल एनर्जेटिक्स है ये A2 की केमिकल एनर्जेटिक्स है और दिस इज जस्ट अ रिवीजन. ओके, बिफोर हम स्टार्ट करें कोई भी आगे बात स्टार्ट करें, हमने जो है वो ऑलरेडी AS में बातें जो करके आई हुई हैं वो हम रिपीट तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक रिवीजन वो है. और इंशाल्लाह ताला ये बताया जाए कि आपको बड़ी अच्छी रिवीजन करवाई जाएगी या ये काम हम पे छोड़ दें. मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ याद रखें कि एंथैल्पी क्या होती है. एंथैल्पी होती है कि व्हेन यू मेजर अ हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यू कॉल इट एंथैल्पी. ठीक है, चलिए. हम ऑलरेडी AS में स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे के आए हुए होते हैं. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन की जो है वो करके आए हुए होते हैं. हम जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट्स की बात करते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट्स की हम बात करते हैं तो प्लीज़ आप ये बात याद रखें कि HG और BR जितने भी हों जो होगा वो लिक्विड स्टेट में होंगे हमेशा. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड नोबल गैस क्या होंगे, गैसेज होंगे. ठीक है, और हैलोजन्स, सॉरी हैलोजन्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो होंगे दे विल बी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक हो गया, हम ऑलरेडी जो है वो आपको एक नई चीज से वाकिफ कर दी. ठीक है, अब A2 में एनर्जेटिक्स में एक नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस होती है वो है लैटिस एनर्जी. ठीक है, लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी क्या होती है, हम ये लिखते हैं इट इज एंथैल्पी चेंज वन मोल. बेसिकली लैटिस एनर्जी जो होती है वो आयंस होते हैं आपके पास गैसियस फॉर्म में और उससे जो है वो आप वन मोल आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं. तो जो वन मोल कंपाउंड कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड होता है. एग्जाम्पल अगर मैं इसकी देने पर आऊँ तो आपके पास Na2 पॉजिटिव गैसेस आयंस हैं प्लस O2 नेगेटिव गैसेस आयंस हैं तो फिर ये MgO सॉलिड्स. ठीक है, इसी तरह K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव जो है वो KBr सॉलिड बनाते हैं. ठीक है, ये गैस है, ये गैस. ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम लैटिस एनर्जी की तरह को डिफाइन करते हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आते हैं हम फैक्टर्स इफेक्टिंग लैटिस एनर्जी की. जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लैटिस एनर्जी जो इफेक्ट होती है इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक. द लैटिस एनर्जी जो होती है इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस और इट बिकम्स मोर एक्सोथर्मिक विद डिक्रीज इन इंटर आयोनिक डिस्टेंस. ठीक है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस जो है आपके पास वो जो है वो आपके पास डिक्रीज हो जाए. ठीक है, ये जो आपके पास इंटर आयोनिक डिस्टेंस है इसको आप डिक्रीज कर देंगे तो द लैटिस एनर्जी ये जो डी है इसको डी कम कर देंगे तो लैटिस एनर्जी जो है वो मोर
नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि मोर एक्सोथर्मिक हो जाएगी, और चार्जेस जो हैं वो, ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन चार्जेस इंक्रीज कर देंगे ऑन दी आयंस, ठीक है। सो ये फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो है वो हम आगे आते हैं, और आगे जो है वो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होती है, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वन मोल ऑफ गैसियस एटम। जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे होंगे एक गैसियस एटम के अंदर, और एक गैसियस आयन बन रहा होगा, तो उसको जो है वो जो एंथैल्पी चेंज उसकी होगी उसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, अच्छा चलिए इसकी एक हम वर्डिंग लिखते हैं, वन गैसियस एटम प्लस वन मोल इलेक्ट्रॉन्स और वन मोल गैसियस आयंस, ठीक है, अंडरस्टूड? अच्छा गुड हो गया। अब हम इसकी अगर एग्जांपल देखें तो आप देखो, आपको क्लोरीन गैस है, आप इलेक्ट्रॉन डालें सीएल नेगेटिव गैस हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो -348 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। ओके समझ आ गई, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वन मोल गैसियस वन माइनस आयन टू फॉर्म वन अ मोल ऑफ वन नेगेटिव आयन टू नेगेटिव आयन, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो कि आपके पास ऑक्सीजन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन ओ नेगेटिव गैस, ओ नेगेटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन ओ टू नेगेटिव गैस, ठीक है। This is electron affinity 1 and this is electron affinity 2. इसकी वैल्यू -141 किलो जूल पर मोल है, +798 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपको समझ आ गया? गुड हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम ये कहते हैं, उसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते थे वो था बॉन्ड हेबर साइकिल, ठीक है। हमने के एस की एनर्जेटिक्स में हेसे साइकिल पढ़ा था, और ए टू की इसमें एनर्जेटिक्स में हम बॉन्ड हेबर साइकिल देखते हैं। हम बॉन्ड हेबर साइकिल अगर बनाना चाहें तो मैं कहता हूँ कि आओ यार बॉन्ड हेबर साइकिल बनाते हैं, ठीक है। इसके बना दी है, इसलिए मैं आपको बना के दिखाऊंगा ना। अच्छा जी, हमने अब हमने NaCl का बनाना है बॉन्ड हेबर साइकिल। तो हम ये कहते हैं कि देखो, सबसे पहला स्टेप जो हमने शो करना है, मैं यहाँ पे स्टेप भी लिखूँगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो शो करना है वो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। और पैरो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और जो ये होगा, ये स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू जो है वो डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ सोडियम है। स्टेप नंबर थ्री जो है वो डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन है। नंबर फोर जो है वो आयनाइजेशन होगी फर्स्ट ऑफ Na है, ठीक है। नंबर फाइव देखो, नंबर फाइव इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। नंबर सिक्स इज डेल्टा एच लैटिस, ठीक है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ,
डेल्टा एच फॉर्मेशन, एनए सॉलिड प्लस हाफ सी एल टू गैस गिव्स अस एनए सी एल सॉलिड. एनए सॉलिड एनए गैस सी एल टू गैस सी एल गैस एनए गैस गिव्स अस एनए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गैस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन सी एल गैस प्लस इलेक्ट्रॉन सी एल नेगेटिव गैस एन ए पॉजिटिव गैस सी एल नेगेटिव गैस एन ए सी एल ठीक है. ये सारा एक प्रोसेस मैंने मेरा कर दिया. अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं ठीक है. नंबर टू था डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ एन ए, उसका एरो ऐसे चला गया ठीक है. उसके बाद नंबर थ्री था डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, उसका एरो ये चला गया. उसके बाद आपके पास था डेल्टा एच एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, उसके बाद आपके पास था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन ठीक है. उसके बाद आपके पास था डेल्टा एच लैटिस, ये आपके पास जो है डेल्टा एच लैटिस है ठीक है. अब इसको अगर हम देखें तो नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स ठीक है. इक्वेशन यहाँ पे आपने अब इक्वेशन भी लिखनी होगी ठीक है. यानी सॉलिड प्लस हाफ सी एल टू गैस, जब आप साइकिल भी बनाएंगे पेपर में तो आपने यहाँ पे इक्वेशन लिखनी ठीक है. नंबर टू अच्छा, तो इस तरह जो है वो आपके पास बॉर्नहेबर साइकिल साइकिल पूरा का पूरा बनेगा, ये बॉर्नहेबर साइकिल कहलाएगा ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद जो अगली बात हमने की थी वो ये थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की बात ठीक है. सॉल्यूशन की और डेल्टा एच हाइड्रेशन की बात हम ए टू में करते हैं, लेकिन हम ए एस में इनकी ज़्यादा बात नहीं करते. सॉल्यूशन की डेफिनेशन जो आपने लिखी थी एएस में भी वो ये थी कि इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिसॉल्वड इन सफिशिएंट वाटर टू मेक अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इन सर्टेन कंडीशंस और इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एंथैल्पी चेंज है ठीक है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन की बात की आपने, तो आपने कहा कि एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ स्पेसिफिक गैसीय आयन are dissolved in the excess of water under standard conditions, it is always like this. Thermic depends upon ionic radius and charge on ion. ठीक है. अच्छा, एक जो है वो आप ये बात याद रखना आपने कि डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल नेगेटिव ऑफ लैटिस एनर्जी एंड प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ठीक है. ये आपने याद रखनी है बात ठीक है. ये एक बहुत ज़रूरी इक्वेशन है और काफ़ी हेल्प करती है ठीक है. इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. आज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं आपके पास NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गैस गैस, ये मैंने इसकी डेल्टा एच सॉल्यूशन का एन ए पॉजिटिव गैस प्लस सी एल नेगेटिव गैस ये जो एन ए सी एल सॉलिड से ये बना ये नेगेटिव डेल्टा एच लैटिस था और ये जो बना ये डेल्टा एच हाइड्रेशन बना. तो इससे आपसे इक्वेशन बन गई ना डेल्टा एच सॉल्यूशन डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन, ये आपसे इक्वेशन बनेगी. प्रूव होगी कि ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखवाई है ये यहाँ पे
प्रूव हो गई, ठीक है। अच्छा जी, इतनी सी, दैट इज इट फॉर केमिकल एनर्जेटिक्स का ए टू का पार्ट। और अगली इसके साथ कई टॉपिकल में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने दोस्तों में आके लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरजन के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह।